एक चीफ जस्टिस का अहद तमाम हुआ तो काजी ने फराइज़ मनसबी संभाल लिए। सियासी मुकदमात और आईनी उमूर में उलझन रही। चीफ जस्टिस ने सरकारी अफसरान के लिए लफ्ज़ मोहतरम या साहब ममनू करार दिया। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दिलवाई। इस्लामाबाद से अफजल जावेद रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साल 2023 अहम मुकदमात के बड़े फैसले। एक चीफ जस्टिस का अहद हुआ तमाम तो दूसरे काजी ने जिम्मेदारी संभाली। साल 2023 के आगाज से ही सुप्रीम कोर्ट सियासी मुकदमात और आईनी अमूर में उलझी रही। साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला भी कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचा। 2 घंटों में पेश होने से लेकर जमानत तक का हुक्म जारी किया गया। इस समात में गुड टू सी यू कहने की सदा आज भी सियासी बयानियों में थम न सकी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून साजी को भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला समझा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना और नैब तरामीम का लदम करार दी। मखसूस बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपने जजेज ही नहीं बल्कि सियासतदानों की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना रहा। 23 का साल अदलिया के लिए काफ़ी मतनाज़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये एक तासर कायम हुआ कि यहाँ के जजेस में ग्रुपिंग है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही तकलीफ दे बात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस का ओहदा 17 सितंबर को संभाला। आते ही सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार समाप्त की बराह रास्त नशरियात का आगाज किया। फुल कोर्ट ने पार्लियामेंट की बाला दस्ती को तस्लीम करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कायम रखा। मास्टर ऑफ रोस्टर का खात्मा करते हुए बेंचेस की तश्कील के लिए 3 रुकनी जजेस कमेटी कायम की। चीफ जस्टिस ने सरकारी अफसरान के लिए लफ्ज मोहतरम या साहब ममनू करार दिया तो सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया पुकारने से भी रोक दिया। सीनियर वकला ने साल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के लिए मतनाजा करार दिया। कहा जजेस की धड़ेबंदी खतो किताबा समेत दीगर मसाइल जुबा ज़दे आम हुए। बहुत भारी साल था और आखिर में जो ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ऑर्डर पास हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक ऑर्डर है। अदालत को जो है वो अपना एज ए इंस्टीट्यूशन काम करना चाहिए। जजेस को एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए खतूत का सहारा ना लेना पड़े। ग्रुपिंग बहरहाल थी, अभी भी है और उसकी डेंसिटी पता नहीं कब तक हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर हम विरसे में ये तनाव, अदम बर्दाश्त, मुनाफकत अगर ये दे के जाएंगे तो हमने कोई काम नहीं किया। 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही के फैसलों की मरहून मिन्नत है जो इस तारीख पर पहरा भी दे रहे हैं। अफजल जावेद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।